आज मैं आपको कॉलर वाला ब्लाउज बताने जा रही हूँ। जो ये मेरे पास कुछ बचे हुए पीसेस हैं, तो उसी को जोड़ के और एक ब्लाउज डिज़ाइनर ब्लाउज है वो जो मैं तैयार करने जा रही हूँ। तो ये है नेट का कपड़ा और ये है अस्तर। अस्तर भी जो है वो भी एक कुछ कटिंग से बचा हुआ है ये, तो इसको भी मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, और ये जो है ये कपड़ा, ये भी बचा हुआ है, ये भी कटिंग का है, ये भी बचा हुआ है। तो ये तीनों कपड़े मिला के मैं आपको डिज़ाइनर ब्लाउज कॉलर वाला बताने जा रही हूँ। पहले मैं ये दोनों पल्ले जो हैं, ये नेट और ये ब्रासो वाला जो है, इस कपड़ों को ऐसा जोड़ लूँगी जो फ्रंट और बैक दोनों में होगा। ये नेट का डिजाइनर कपड़ा है ऐसा। ठीक है, तो ये इसको पहले मैं जोड़ लूंगी, जोड़ने के बाद में फिर इसको मैं कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। ये नेट का कपड़ा और ये कपड़ा दोनों जोड़ लिए, अब ये अस्तर जोड़ेंगे। और अस्तर को ऐसा लेंगे उल्टे साइड में, ताकि जब सिलाई करें तो ये कपड़ा है और जो जोड़ है वो ढक जाए। फिर यहाँ पे एक सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पे इसको दबाते हुए एक सिलाई ले।
ये जुड़ गया। अब यहाँ से चारों साइड से सिल लेंगे, लेकिन उसके पहले कटिंग करेंगे। दोनों साइड लग गए हैं ये। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब ये जुड़ गया है, अब ये दोनों पीस अलग कर देंगे। ये अब इसमें बैक कटिंग निकालेंगे, इसको हाफ कर लेंगे।
वैसे ये मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बचे हुए कपड़े से ब्लाउज कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है। लेकिन यह है कि नाप आप अपने अनुसार डाल सकती हैं, जो भी आपको नाप लेना है। वैसे ये 33 चेस्ट का है, तो उस हिसाब से मैं ये बना रही हूँ। और बाकी ये है कि मैं सिर्फ आपको एक तरीका बताने जा रही कि ये कैसे तैयार होता है। नाप आप कोई भी डाल सकती हैं। मैं ये आपको सिल के दिखा रही हूँ और आप लोग इसको बना सकते हो। कटिंग है, कोई भी नाप की आप रख सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको सिल के दिखा रही हूँ आपको। पहले इसको चारों साइड जोड़ लेंगे। ये प्रिंसेस कट, ऐसी दोनों साइड लगा लेंगे। ये पट्टी लगाएंगे।
ये होगी साइड की पट्टी। अब ये कमर पट्टी लगाएंगे। इसके बाद ये फ्रंट में चैन लगाएंगे। ये चैन लग गई है, ये यहां तक की पूरी आएगी ये, ठीक है। अब इसके बाद में ये दोनों पल्ले जोड़ेंगे यहां से यहां, और फिर कॉलर लगाएंगे। मैं आपको जोड़ के दिखा रही हूँ। और ये है ये पीछे के पल्ले में ये पट्टी है, ये आ गई है, ये ऐसा फोल्ड करके इसको, ये कमर की पट्टी है, इसको जोड़ दिए। और यहाँ भी कमर की पट्टी, ये तो खैर आपको मैं दिखा चुकी थी। और ये यहाँ से अब इसको जोड़ेंगे कंधे को। ये बन गया। अब इसमें कॉलर अटैच करेंगे, जो मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। इसको पहले ऐसा नाप लेंगे, पूरा गोल बनेगा कॉलर, ये 8 इंच है। तो 8 इंच का अपन जो है बकरम काटेंगे और फिर उसको कॉलर बनाएंगे, वो मैं अभी आपको बना के बता रही हूँ। ये कॉलर है 8 इंच की, और अब इसको प्रेस से चिपकाएंगे और यहाँ पे हल्का सा इसको गोलाई देंगे। इसमें इसको चिपकाएंगे। ऐसा ये चिपक गया है ये, फिर इसको इस पर फोल्ड कर दिए और ऐसा प्रेस कर देंगे। ये बाद में सिलाई लगेगी, और फिर इस कपड़े को भी ऐसा फोल्ड कर दिए। ऐसा बाद में जुड़ने के बाद में कटिंग हो जाएगा। अब मैं इसको सिलने जा रही हूँ।
फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे। ये फोल्ड हो जाएगा। फिर इसका सेंटर पकड़ेंगे यहाँ पे और एक हल्का सा निशान लगा। अब इसका भी बीच वाला भाग लेंगे। फिर इसको अंदर से जोड़ेंगे यहां से। पिन लगा के ये कॉलर लग दी है। अब इसको यहाँ पे हल्का हल्का कट लगा देंगे गोलाई में। अब इसको ऐसा फोल्ड कर देंगे।
अब यहाँ पे सिलाई लगा दी। यहाँ पे पाइपिंग लगा देंगे और यहाँ पे फिटिंग दे देंगे। ये हो गया बचे हुए कपड़े से एक ब्लाउज तैयार करके आपको दिखाई हूँ। ये इतना मेरे पास में अब ये कपड़ा बच गया है, तो इसको शायद स्लिप भी यहाँ लगा सकते हैं या फिर पाइपिंग दे सकते हैं। ठीक है, मैं स्लिप्स लगा रही हूँ, इसको ऐसा फोल्ड कर लेंगे।
ये स्लीव्स बन गई है। अब यहां से इसको फिटिंग दे देंगे। ये कुछ बचे हुए टुकड़ों से मैंने ब्लाउज तैयार करी हूँ डिजाइनर। ये ब्लाउज आप भी तैयार कर सकते हैं, मेजरमेंट चाहे जो भी हो, ठीक है। और काफी खूबसूरत दिख रहा है इस लाचे के साथ में ये डिजाइनर ब्लाउज। थैंक यू।